सुबह ही चले गए क्या? ये सब तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो जॉब करने वाली महारानी हो गई हो ना, इसीलिए इतना लेट आ रही हो। हाँ तो तुमको क्या, मैं क्या तुम्हारे घर में आके सो रही हूँ? तुम खुद अपने घर में नहीं रहती हो क्या? गंगा आने वाली है क्या? क्यों, उसके आने या न आने से क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए तो देवलोक से एक बच्ची आ गई है ना, उसके साथ खेलने में ही वक्त निकल जाता है। अगर वो आ गई ना तो लक्ष्मी दीदी पास में ही है, उन्हें भी बुला लेंगे। क्या बात है, सब लोग मिलकर किसके खिलाफ प्लान कर रहे हो? अपने अपने सास के लिए या घर में आने वाली बहू के लिए? श्रुति, पहले इन्हें रूम में डालो और उसे बाहर से लॉक कर दो। क्या कह रही हो संगीता, मुझे रूम में डालोगी क्या? खुद मिर्ची जैसी और मुझे कह रही हो? दोबारा ऐसा बोलना मत। तुम्हें पता है मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट जीता है, कमर में पहनता था, गाँव में छोड़ आया हूँ। श्रुति, इनकी जो कमर दर्द रहती है ना, उसी के लिए बेल्ट डाली होगी, उसी को कह रहे हैं। हंसो मत, पांचाली हंसी थी तो महाभारत हुई थी। लड़कियों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, उनकी हंसी थोड़े दिन के लिए होती है, उसके बाद तुम्हें देखकर बाकी लोग हंसेंगे। संगीता, तुम सर पकड़ो और मैं पैर पकड़ती हूँ, इन्हें ले जाकर कुएं में डाल के आते हैं। ओहो, मुझे कुएं में डालने वाले हो? मुझे ऑलरेडी गणेश 4-5 बार डाल चुका है, लेकिन मैं चढ़ के ऊपर आ जाता हूँ। माँ कहाँ है, बाहर गई है क्या? क्यों, माँ नहीं होगी तो क्या घर में नहीं आओगी तुम? अगर माँ पापा घर में ना हो तो लक्ष्मी दीदी का आने का मन नहीं करता। जीजा जी कहीं से भी आए, सबसे पहले लक्ष्मी दीदी आके माँ को बताती। बस करो अभी, मुझे और भी बहुत काम है, मैं चलती हूँ। ए रुको रुको, आ गई हो तो बैठो ना। ए बात करो। गणेश भैया की शादी होने वाली है ना, तो हम सब पांचों को मिलकर गिफ्ट का क्या इंतजाम करना है? ए, क्यों मिलके करना है सबको? अपनी अपनी मर्जी से अकेला अकेला करो ना सबके सब। सब लोग मिलकर ही देंगे, तुम अकेली दोगी क्या? एक साथ गिफ्ट देंगे तो अच्छा लगेगा। गणेश भैया हम सब बहनों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए हमें कुछ तो अच्छा करना चाहिए ना। तुम तो अकेली ही हो, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम कर सकती हो, हम तो पति के बिना कुछ नहीं कर सकते। दुर्गा दीदी कुछ मांगे और जीजा जी मना कर दे, किशोर जीजा जी कितनी हिम्मत कहाँ? ए, ज्यादा बकवास की ना तुमने तो मुंह तोड़ दूंगी। लक्ष्मी दीदी आप कुछ नहीं कहेंगी? गणेश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, कीर्तना के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदते हैं, ये सब कुछ तो हमको करना होगा ना। ठीक है, बजट क्या है वो तो बताओ। बजट है पूरे 15,000 रुपए, सबको 3,000 देना है। 3,000 रुपए देने होंगे? और नहीं तो क्या, गणेश भैया के लिए एक चेन और कीर्तना के लिए साड़ी, ये खरीदने के लिए इतने पैसे तो लगेंगे ही। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 3,000 है ना, कल दे दूंगी मैं। उन्हें बिना बताए मैंने कुछ सेविंग की है, मैं वो दे दूंगी। और गंगा? उसको क्या, पैसे तो ज्यादा है ही, मना करने के लिए कोई सास भी नहीं है, बस मेरी ही किस्मत खराब है। लक्ष्मी दीदी आप बात क्यों नहीं कर रहे? वो कैसे बात करेगी, जीजा जी जो हैं बहुत घमंडी हैं, वो करोड़पति भी है ना, हम चाहें जो भी कर लें हमसे ज्यादा ही करने के लिए सोचते हैं वो। 3,000 क्या, 13,000 भी दे देंगे वो तो। मैं चलती हूँ। सुनिए जी। ए लक्ष्मी, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, हाँ? मैं बाहर जाकर उसे निपटा कर जल्दी आता हूँ। सुनिए जी। क्यों रे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ, आप शगुन बनकर बीच में कूद पड़ी हो, बोलो क्या कहना चाहती हो? गणेश की शादी पास आ रही है। हाँ तो बहुत खुशी की बात, तुम्हारे बताने से मुझे मैटर पता चला, कुछ और कहना है क्या? उस घर की बड़ी बेटी हूँ मैं, गणेश की शादी में उसे कुछ देना है मुझे। तुम कुछ मत देना, क्योंकि उसके माँ बाप है ना, वो उसे दे देंगे। वो पैदा करने वाले हैं और वही तो ये शादी करा रहे हैं। अरे वो गणेश के लिए तुम और मैं है ना, इसके लिए फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। बाकी दामादों के लिए वो उनका साला हो सकता है, लेकिन मेरे और तुम्हारे लिए तो बच्चा ही है ना। वैसे नहीं, पर स्टेज पर। स्टेज पर क्या होगा, क्या होगा स्टेज पर? सुनो, जीजा जी का आशीर्वाद रहेगा, ऐसा पंडित जी उसे बोल देंगे, और क्या, हम उसे आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है ना? मुझे बाहर जाते समय तुम्हें टेंशन देने की आदत पड़ गई है, छे, इसके पास दिमाग तो है ही नहीं। ये तो बेइज्जती कराते हैं, बाकी लोग कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना, मुझे भी कुछ देने की इच्छा है, लेकिन ये तो समझना ही नहीं चाहते। किशोर, किशोर। हाँ आ रहा हूँ माँ।
सुनो बेटा, गणेश की शादी के लिए छुट्टी लेकर 4 दिन पहले चले जाना। तुम्हारी बहू वही कर रही है, उसको ही पूरा देखने दो। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? तू दुर्गा बहू का गुस्सा गणेश पर क्यों निकाल रहा है? क्या बोल रही हो माँ? गणेश हमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें कोई तकलीफ होती है ना, वो तुरंत चला आता है। मेरे ऑपरेशन के वक्त भी एक बेटे की तरह वो मेरे साथ रहा। उसके इस प्यार की खातिर तो जाना चाहिए। देखो बेटा, अगर उसे अपना साला समझोगे तो दुर्गा के बारे में सोचकर तुम्हें उस पर गुस्सा ही आएगा, इसलिए उसे अपना भाई समझो तुम। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? आओ। आओ गणेश, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। आपका आशीर्वाद जो साथ है। माँ और पापा ने आप लोगों को तो बुलाया ही होगा ना? वो सब फॉर्मेलिटीज हैं, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। आप मेरी माँ जैसी हैं और जीजा जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप दोनों को मेरी शादी में आना, इसलिए बुलाने आया हूँ। जरूर आएंगे, मजे करेंगे। माँ जी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। गणेश तुम बहुत अच्छे हो, तुमने अच्छी लड़की ही चुनी होगी। तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारी बहनें सब बहुत किस्मत वाली हैं। काश तुम जैसा एक बेटा मेरी कोख से भी जन्म लेता। क्या माँ, जन्म देने वाली ही माँ होती है क्या? तुम भी तो मेरी माँ हो ना। गणेश, मैं ऑफिस में लीव एप्लीकेशन देकर शादी के पहले ही आ जाऊंगा। माँ जी आप आना जरूर। मैं आखिरी दिन आऊँ तो चलेगा? फिर माँ बेटा कहलाने का क्या मतलब होगा माँ जी? क्या माँ, आप भी बेटे की बात मना मत करो, तुम भी चलो। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। माँ जी चलता हूँ। जीजा जी। ठीक है गणेश। किशोर, देखा गणेश कितना अच्छा लड़का है। दुर्गा की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई, उसे अपने प्यार से किस तरह कम करके चला गया वो। सो गए क्या? नहीं, बोलो। गणेश की शादी के लिए हफ्ता भी नहीं बचा है। पता है मुझे, सब लोग कल आने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कल ही चली जाऊं। ठीक है, तुम जाओ। आप कब आओगे? शादी के एक दिन पहले ही भाई और भाभी के साथ आ जाऊंगा। आप बाहर के आदमी नहीं हैं, घर के दामाद हैं। तो क्या करूं मैं, एक हफ्ता पहले ही ससुराल जाके बैठ जाऊं क्या? ठीक है, जैसा आप कहो। मेरे भाई के लिए हम पांचों बहनें मिलकर कुछ गिफ्ट लेने का सोच रहे थे, और भाभी के लिए भी कोई साड़ी लेनी है। तुमको क्या देना है वो बताओ, वही तोहफे में दे देंगे। 3,000 चाहिए होंगे, और कल ही चाहिए। शॉपिंग करनी है ना? ठीक है, चेक बना के दे दूंगा, बैंक से विड्रॉ कर लेना। थैंक्स। और संगीता, गणेश की शादी में हम उसे क्या देने वाले हैं, ये भाभी को भी बताना होगा। उन्हें क्यों बताना है? हाँ, और किसको बताना है? मेरे भाई के लिए कुछ करने के लिए उनकी परमिशन क्यों लेनी है? क्या, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है फिर खुद ही कर लो। क्या कह रहे हो? सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, भाभी से पूछना ही पड़ेगा। सॉरी, हम साथ में ही करेंगे, पर उसके लिए भाभी की परमिशन क्यों? संगीता ये परमिशन नहीं है, हमें क्या करना है ये मैं उनसे पूछने के लिए तुम्हें नहीं कह रहा, ये बस एक मर्यादा है। वो घर के बड़े हैं इसलिए उनकी सलाह लेने के लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, कल तुम्हारी भाभी अपने घर के लिए कुछ करने के लिए सोचेगी और तुम्हारी माँ से बिना पूछे कर लेगी, तो तुम चुप रहोगी क्या? नहीं, क्योंकि वो गणेश की माँ है, उसे पाला है उन्होंने। स्टॉप इट, बार बार तुम भाभी को बिना रिस्पेक्ट दिए बात कर रही हो। भाभी मेरे लिए माँ समान है, तुम अपनी भाभी को सम्मान देने के लिए सोच रही हो ना? मेरी भाभी ने मुझे पाला पोसा है, अगर मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ तो क्या गलत है? हाँ हाँ, कल आपकी भाभी को नमस्कार करके उनसे परमिशन लेकर पैसे लेकर जाऊंगी। अच्छा खासा स्कूल में जॉब कर रही थी, वो छोड़कर गलती कर दी है मैंने। अपने पैरों पर खड़ी रहती तो ससुराल में इज्जत होती, कुछ भी बिना पूछे नहीं कर सकती, कितना बुरा लगता है। पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब जा रहे हो? यहाँ जो भी बात हुई भाभी को बताकर ही आपका पेट भरेगा। इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इनको अलग करके दूसरे घर में जाना ही पड़ेगा, तभी मेरी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, नहीं तो मैं खुशी नहीं रह पाऊंगी।